राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती पे कई जगह छोटे मोटे कार्यक्रम हुए। हमें पता है कि आज ही के दिन उनका देहांत हुआ था, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत और विश्व के अनेक कोनों में, छोटी छोटी जगहों पे भी मनाया जाता है। इस समय हम बस्ती ज़िले में हम लोग खड़े हैं और ये देखिए मेरे सामने, यहाँ पर भी एक आयोजन हुआ है, शहीद दिवस के रूप में मनाया गया है, झंडा फहराया गया है, एक रन करके यहीं से आते हैं, फूलों का नमन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये सारा कार्यक्रम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ है, इसकी ये इसका एक अपना इतिहास रहा है। मेरी आंखें सोचकर नम हो जाती हैं, उन बलिदान देने वालों के बारे में सोचकर, जिनमें से कईयों के बारे में हमको कोई जानकारी भी नहीं प्राप्त है। ये देखिए यहाँ पे एक शिलापट भी लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में इस पीपल के वृक्ष पर अंग्रेजों द्वारा 15 व्यक्तियों को फांसी लगाई गई थी। उनमें से निम्नलिखित व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, शेष के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम हम लोग अभी उन शहीदों को याद करते हैं, उनकी कोशिश करते हैं, और भले ही गांधी जयंती का रूप हो या कोई भी चीज हो, आप देख सकते हैं पीछे तीज त्यौहार भी मनाया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये पीपल का वृक्ष ने जाने कितना समय यहाँ पे गुजार दिया है और यहाँ पे गुजारेगा। आप सभी को जय हिंद।